गाइस आज आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक इज हैक्ड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का एक सिंपल सा एम है कि आप प्रोसेसर से रिलेटेड सारा का सारा नॉलेज आपको प्रोवाइड कराया जाए कि उसके अंदर क्या होता है, कौन कौन सी चीजें हमें एक नए स्मार्टफोन खरीदते समय प्रोसेसर के अंदर देखनी चाहिए। तो ये जो दोस्तों हम नैनोमीटर, गीगाहर्ट्ज, ओवरक्लॉकिंग, जीपीयू, सीपीयू स्पीड, थ्रेड कोर, आखिर हम सब सुनते हैं, तो आखिर ये सब होते क्या है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से ये सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नैनोमीटर की। आखिर नैनोमीटर क्या होता है? तो आपने बहुत से स्मार्टफोनों के एड के अंदर देखा होगा कि 4 नैनोमीटर प्रोसेसर, 5 नैनोमीटर प्रोसेसर। तो आखिर ये सब होता क्या, आखिर नैनोमीटर होता क्या है? तो दोस्तों नैनोमीटर आपको एक बताऊं तो नैनोमीटर एक मेजरमेंट यूनिट है, जैसे डिस्टेंस की यूनिट आती है ना, जैसे फुट, इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन्हीं सब की तरह एक यूनिट है जिसे शॉर्ट डिस्टेंस मेजर करने के काम में लिया जाता है। तो अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि ट्रांजिस्टर के बीच में डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता है? तो होता यह है कि दोस्तों प्रोसेसर के अंदर जो ट्रांजिस्टर आते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वो डिपेंड करता है कि ट्रांजिस्टर के बीच में कितनी डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर काफी इजीली होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजीली नहीं होगा। तो इससे दोस्तों प्रोसेसर की एफिशिएंसी और स्पीड पे फर्क पड़ता है। अगर डिस्टेंस कम है प्रोसेसर एफिशिएंट होगा और उसकी स्पीड भी अच्छी खासी होगी, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है ट्रांजिस्टर के बीच में तो उसकी एफिशिएंसी भी कम होगी और स्पीड भी कम होगी। ये भी दोस्तों एक अच्छा खासा रीजन है कि एप्पल के प्रोसेसर फास्ट क्यों होते हैं, क्योंकि एप्पल के प्रोसेसर में काफी कम नैनोमीटर डिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है कोर। तो कोर क्या होता है? कोर होता ये है कि जैसे हमारे कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है, उसी तरह सीपीयू का दिमाग कोर। कोर एक दोस्तों एक प्रोग्राम को रन करती है, हर एक कोर एक प्रोग्राम को रन करती है। जो प्रोसेसर में 2 कोर होंगे तो उसे ड्यूअल कोर प्रोसेसर बोलेंगे, 4 कोर होंगे तो उसे क्वाड कोर प्रोसेसर बोलेंगे, अगर उसके अंदर 8 कोर तो उसे ऑक्टा कोर प्रोसेसर बोलेंगे। दोस्तों आपके प्रोसेसर के अंदर जितनी ज्यादा कोर्स होंगी वो उतनी ही ज्यादा अच्छे से मल्टीटास्किंग कर पाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों वो है प्रोसेसर स्पीड। तो आखिर प्रोसेसर स्पीड होती क्या है? तो आप लोगों ने बहुत सी कंपनियों के एड में सुना होगा कि कंपनियां बताती रहती हैं कि 3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, 4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। तो आखिर ये होता क्या है? वो खास तौर पे कुछ वर्ड का इस्तेमाल करती है जैसे क्लॉक स्पीड का। तो मैं आपको अच्छे से बताऊं तो क्लॉक स्पीड दोस्तों रेफर करती है प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी को, जिसपे प्रोसेसर पल्स जनरेट करना स्टार्ट करता है, जिससे प्रोसेसर काम करना शुरू कर देता है। इसे कंपनियां प्रोसेसर की स्पीड के रूप में भी बताती है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड दोस्तों किलोहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मेजर की जाती थी, और जो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था उसकी स्पीड मेगाहर्ट्ज में मेजर करी जाती थी। तो अब बात करते हैं दोस्तों ओवरक्लॉकिंग की। दोस्तों आपने बहुत सुना होगा कि गेमिंग फोनों के अंदर या फिर गेमिंग कंप्यूटर के अंदर कंपनियां बताती हैं कि तो क्लॉक स्पीड बताती है, उसके साथ साथ उसकी ओवरक्लॉकिंग के बारे में भी वो कंपनियां बताती हैं। दोस्तों ओवरक्लॉकिंग के अंदर होता यह है कि इसके अंदर प्रोसेसर के अंदर वोल्टेज की सप्लाई बढ़ा दी जाती है, या फिर प्रोसेसर को एक कमांड दिया जाता है जिससे अपनी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाता है, उससे वोल्टेज की सप्लाई भी एक्स्ट्रा लेता है। इससे प्रोसेसर काफी ज्यादा तेजी से गर्म होता है। अगर आपका प्रोसेसर काफी पुराना है, अगर आप उसे बहुत ज्यादा ओवरक्लॉकिंग करने की कोशिश करोगे या फिर उसे बहुत ज्यादा घिसने की कोशिश करोगे तो जल भी सकता है। बट आजकल के मैन्युफैक्चरर अपने प्रोसेसर को इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि वो ओवरक्लॉकिंग पे भी ज्यादा गर्म नहीं होता। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो आता है जीपीयू। तो जीपीयू का आखिर काम क्या होता है हमारे प्रोसेसर के अंदर या फिर मोबाइल या कंप्यूटर स्मार्टफोन के अंदर? तो दोस्तों जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों ये स्पेशलाइज्ड डिजाइन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो इमेज, वीडियो, इनके क्रिएशन को एक्सेलरेट करने में मदद करता है। जीपीयू दोस्तों हमारे स्मार्टफोन या टैबलेट के अंदर तो क्या प्रोसेसर के, और जैसे बात करें लैपटॉप कंप्यूटर या गेमिंग कंसोल की तो इनके अंदर एक अलग से डेडिकेटेड जीपीयू आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे GTX 3090 Ti, ये एक जीपीयू का ही एग्जांपल है। ये दोस्तों गेमिंग, वीडियो, इमेजेस और रेंडरिंग को फास्ट और एनहेंस करने में मदद करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।